brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 1 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है द्वितीय विश्व युद्ध से। शुरुआत करते हैं इन शब्दों से। सिद्धांतों के लिए लड़े गए युद्ध सबसे विनाशकारी होते हैं, क्योंकि सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता। इसके बनिस्बत लालच के लिए किया गया युद्ध कम हानिकारक होता है, क्योंकि व्यक्ति तब ये ध्यान रखेगा कि जिस चीज़ को पाने के लालच में वो युद्ध कर रहा है वो कहीं नष्ट ना हो जाए। तर्कसंगत व्यक्ति हमेशा समझौता कर सकते हैं, लेकिन किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पूछने वाला एक कट्टरपंथी सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार रहता है। इंग्लिश राइटर एंड स्पीकर एलन वॉट्स का यह कथन एक ऑक्सीमोरॉन है। वस्तुतः ये माना जाता है कि सिद्धांतों पर अडिग रहना इंसान का गुण है और लालच एक अवगुण। लेकिन तब क्या हो जब यही सिद्धांत एक सनकी क्रूर तानाशाह के पागलपन से उपजा हो? तब उपजता है नाजीवाद और फासीवाद, और इसी नाजीवाद ने 1930 के दशक के अंत में एक भयानक युद्ध को जन्म दिया। हुआ यूं कि 1937 तक हिटलर जर्मनी पर अपना वर्चस्व जमा चुका था। नाजी सलाम करती हुई भीड़ के सामने फ्यूरर ने ऐलान किया, यहूदी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जर्मनी ने यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजना शुरू किया। मकसद था एक मास्टर रेस का वर्चस्व स्थापित करना, एक थर्ड राइख जो हजार साल तक कायम रहता। नाजी साम्राज्य को फैलाने के लिए हिटलर ने सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साय संधि में ये दोनों जर्मनी के अधिकार से बाहर हो गए थे। यूरोप और दूसरी बड़ी ताकतें जैसे फ्रांस और ब्रिटेन चुप रहे। उन्हें लगा कि हिटलर केवल पुराने जर्मनी को स्थापित करना चाहता है, लेकिन इतने से हिटलर कहाँ चुप बैठता। आज के दिन यानी 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके 3 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया। 1941 तक एक्सिस पावर्स युद्ध जीत रहे थे। जर्मनी का वेस्टर्न यूरोप पर लगभग कब्जा हो चुका था। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफा के जहाज दिन रात लंदन पर बम गिरा रहे थे। अमेरिका ब्रिटेन को टेक्नोलॉजी और आर्थिक मदद दे रहा था, लेकिन चर्चिल की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका अभी तक युद्ध के मैदान पर नहीं उतरा था। जर्मन सेना अपनी उच्च तकनीक वाले विमानों और ब्लिट्सक्रीग युद्ध शैली के लिए जानी जाती थी। ब्रिटेन किसी तरह खुद को बचाए रखने की कोशिश में था उन दिनों। अमेरिका की आर्थिक मदद के बावजूद उसके साधन कम पड़ रहे थे। दिसंबर 1941 में जाकर जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और मजबूरन अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ा। इसके बाद दुनिया दो गुटों में बट गई, जैसा आप जानते हैं। एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया, एलाइज। दूसरी तरफ से जापान, इटली और जर्मनी। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने कहा था उन दिनों कि दुनिया अब रोम और बर्लिन की एक्सिस यानी कि धुरी पर घूमेगी, इसीलिए इन देशों का अलायंस कहलाया एक्सिस पावर्स। अमेरिका के एंटर करने से मित्र राष्ट्रों की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई। नॉर्थ अफ्रीका में उन्हें एक्सिस सेना को पीछे खदेड़ने में मदद मिली, उन्होंने कर भी दिया ये काम। इसके बावजूद यूरोप में स्थिति जस की तस बनी हुई थी। मित्र राष्ट्र किसी तरह पश्चिम यूरोप में घुसना चाह रहे थे, फ्रांस में दाखिल होना संभव नहीं था। हिटलर किसी भी हालत में पेरिस को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था, इसलिए जर्मनी ने वहां एक जबरदस्त सुरक्षा कवच बना रखा था। इसके अलावा एक बड़ी सेना लेकर इंग्लिश चैनल को पार करने की चुनौती भी थी। दूसरी तरफ स्टालिन के रडार में जर्मन सेना के हाथों बुरी तरह पिट रही थी। स्टालिन ने चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट से कहा कि वो यूरोप में नया फ्रंट खोलें, ताकि उसकी रडार में पर प्रेशर कुछ कम हो। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है 6 जून 1944। इसे डी-डे के नाम से भी जाना जाता है, जब मित्र राष्ट्रों की सेना फ्रांस में घुसने के लिए नॉर्मैंडी के तटों पर उतरी। लेकिन इससे पहले भी एक दिन आया था जब मित्र राष्ट्रों ने पहली बार एक्सिस पावर्स के खेमे में सेंध लगाई थी। ये थी 3 सितंबर 1943 की तारीख। इस दिन मित्र राष्ट्रों की सेना ने इटली के मेनलैंड पर एंटर किया। सिसिली का द्वीप पहले ही कब्जे में आ चुका था। इस मिशन में ब्रिटिश 8th आर्मी को लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी। इन्वेजन की रात अपने टेंट में एक सैनिक अपने घर एक खत लिख रहा था। सैनिक लिखता है, इस युद्ध के इतिहास में शायद ये सबसे बड़ी रात हो। मुझे यकीन है जब तुम्हें यह पत्र मिलेगा तुम समझ जाओगे कि मैं कहाँ हूँ। मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि तुम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकोगे। हे ईश्वर, ये बहुत ही भयानक है, फिर भी मैं अपना किट बैग लेकर बैठा हूँ और तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। पता नहीं शायद मुझे ये मौका दोबारा मिले या नहीं। इस पत्र को लिखने वाला सैनिक दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स का हिस्सा था, जो हांगकांग से लेकर नॉर्थ अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप में युद्ध कर रही थी। वो ब्रिटिश नहीं थे, ना ही अमेरिकी। उनका इस युद्ध से बस इतना लेना देना था कि उनका देश अंग्रेजों का गुलाम था। 25 लाख की इस वॉलंटियर सेना में सबसे बड़ा हिस्सा था भारतीयों का। 1943 में इटली को आज़ाद कराने के इस अभियान में 5,500 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी थी। इनके शरीर आज भी इटली के 6 प्रमुख शहरों के 40 कब्रिस्तानों में दफन हैं।
इस अभियान में शामिल 20 लोगों को ब्रिटिश सरकार का सबसे उच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। इनमें से 6 भारतीय थे। इतालवी समाज में आज भी इन भारतीय सैनिकों की वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं। भारत के शहीदों का उल्लेख यूके स्थित कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन बुकलेट में भी किया गया है। ये सैनिक अपने देश से हजारों मील दूर किसी दूसरे देश को आजाद कराने में मदद कर रहे थे, जबकि उनका अपना देश गुलामी का दंश झेल रहा था। ये सैनिक यहाँ कैसे पहुंचे, इसके लिए हमें युद्ध की शुरुआत में जानना होगा। 3 सितंबर 1939 को जब ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की, भारत का इससे कुछ लेना देना खास था नहीं, लेकिन वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि भारत इसमें बराबर का साझेदार है। भारत के नेताओं जिनमें नेहरू और गांधी शामिल थे ने घोषणा की कि इसका विरोध किया जाएगा युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों भारतीयों की शहादत के बावजूद भारत को सिर्फ धोखा मिला था। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पहले चर्चे लिए बताएं कि युद्ध के बाद भारत का क्या होगा। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारतीय इस युद्ध में हिस्सा लें, लेकिन सवाल रोटी का था। भारत में अनाज की कमी थी। अंग्रेज यहाँ का सारा राशन यूरोप में युद्ध के मोर्चे पर भेज रहे थे, जिसके नतीजे में भारत में भयंकर अकाल पड़ा और बंगाल में 1943 के साल में 30 लाख लोग भूखमरी से मारे गए। सेना में भी भारतीयों को द्वयम दर्जे का ओहदा मिलता था। उनके लिए ऑफिसर बनना और रैंक में ऊपर जाना मुश्किल था। उनके साथ रंगभेद किया जाता और गोरों से उनकी तनख्वाह बहुत कम हुआ करती। सवाल पापी पेट का था और सेना में कम से कम भरपेट खाना मिल जाया करता था, लेकिन जान का भरोसा नहीं था। 1939 तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 2 लाख भारतीय थे। 1945 तक ये संख्या बढ़कर 25 लाख हुई। किसी दूसरे देश की ओर से इतने विदेशी सैनिक पहले कभी नहीं लड़े थे। 24,000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिक दूसरे विश्व युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इससे 3 गुना संख्या उनकी थी जो युद्ध में घायल हुए या लापता हुए। न जाने कितने सैनिकों के मरने के बाद भी अपनी धरती नसीब नहीं हुई। इसके बावजूद उनके पराक्रम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को 4,000 गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 31 विक्टोरिया क्रॉस भी शामिल थे। भारत अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए भारतीयों के अंग्रेजों की तरफ से लड़ने की बात समझ आती है, लेकिन नीचता की हद ये थी कि भारतीय सैनिकों के खाने पीने, अस्त्र शस्त्र और लड़ने का सारा खर्च भी भारतीयों से ही वसूला गया। इसके लिए वॉर फंड नाम के नाम पर भारतीयों पर एक विशेष टैक्स लादा गया। युद्ध में ब्रिटेन ने भारत से जो कर्ज लिया था, आज के हिसाब से राशि करीब करीब 10 लाख करोड़ के बराबर होती है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की तरह इस बार भी ना तो भारत ने इसे कभी वापस मांगा, ना ही ब्रिटेन ने कभी इसकी कोई चर्चा ही की। द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर जितना लिखा गया है, शायद ही किसी और चीज पर। सब कुछ दस्तावेजों में दर्ज है। हर साल इस युद्ध की बरसी मनाई जाती है। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। पर्ल हार्बर से लेकर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम तक को याद किया जाता है। हर घटना पर हजारों फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन दावे से कहा जा सकता है कि इनमें से किसी में भी आपको एक भी भारतीय दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा तो भी उनकी भूमिका कोई बहुत बड़ी होती नहीं है। कभी कभार कोई ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारतीय सैनिकों के योगदान का उल्लेख कर देता है, जैसा कि पिछले साल बोरिस जॉनसन ने किया था, लेकिन इस युद्ध की महागाथा में भारत के योगदान को लगभग भुला दिया गया है। जबकि यह तथ्य है कि भारत की मदद के बिना मित्र राष्ट्र युद्ध कभी नहीं जीत पाते। ब्रिटेन खासकर इटली और खासकर बर्मा में, जहां भारतीय सैनिक आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों से ही लड़ रहे थे, ये दूसरे विश्व युद्ध में भारत के पार्टिसिपेशन का दूसरा भाग था। हुआ यह कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद करने के लिए जर्मनी से मदद मांगी। हिटलर को भारत में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, इसके बावजूद बोस को युद्ध बंदियों से मिलने की इजाजत मिली। इनमें से कई भारतीय थे। बोस ने इन्हें आजाद हिंद फौज में भर्ती किया और जापानी सेना के साथ मिलकर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने की ठानी। इस एक चैप्टर से भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। मुद्दा यह है कि विश्व युद्ध को केवल 2 खेमों के बीच लड़ाई के तौर पर देखा नहीं जा सकता। यहूदी नरसंहार और चीन में हुई बर्बरताओं के चलते एक्सिस पावर्स को वर्स्ट इविल एवर टू वॉक ऑन अर्थ की संज्ञा दे दी गई, जिसका दाग वो आज तक नहीं धो पाए हैं। सुभाष भारत की आजादी के मकसद से लड़ रहे थे, परंतु उनका गठबंधन एक्सिस पावर्स के साथ था। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ ऐसी खिचड़ी बन गई है कि इस युद्ध में भारत के योगदान को इतिहास के डस्टबिन में डाल दिया गया है। भारत में इस पर कम ही चर्चा होती है। आगे हुए सभी युद्धों में हम भारत के तमाम वीरों को श्रद्धा से याद करते हैं, लेकिन हमें यह समझने और स्वीकारने की जरूरत है कि विश्व युद्ध में लड़ने वाले भी भारतीय ही थे, चाहे वो आजाद हिंद फौज के लिए लड़े हों या नाजी ताकतों के खिलाफ। इतिहास सिर्फ स्याह और सुर्ख स्याही से नहीं लिखा जाता, कलम का रंग कभी कभी ग्रे भी होता है। एक्सिस पावर्स अगर जीत जाते तो भारत शायद 2 साल पहले आजाद हो जाता, लेकिन इसके समर्थन में तर्क देने से पहले
आपको उन 6 लाख यहूदियों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें गैस चैम्बर में धकेल दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध नाजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध था जिसके खिलाफ भारतीयों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता, चाहे भारत में फुटपाथ पर मीन काम्फ अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर बिकती रहे। अंत में आपको दोबारा याद दिला दें कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, इस मौके पर ललन टॉप भी ला रहा है अपनी पाठशाला क्रिप्टो करेंसी की। हमारा नया शो आ रहा है एक नया पैसा, जिसमें आपको बताएंगे हम आसान भाषा में क्रिप्टो क्या है और आने वाले वक्त में कैसी होगी दुनिया की करेंसी। नजर बनाए रखिए, हमारे साथ रहिए। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था, टीपी को भी ऑपरेट किया था, आज विशेष परिस्थितियों में हमारे दोस्त राशिद ने। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए द ललन टॉप।